अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रसगुल्ले की रेसिपी। और ये बिल्कुल झटपट सी रेसिपी है और बहुत कम खर्च में आप बहुत ज़्यादा रसगुल्ले बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप घर में बनाएंगे और अच्छी तरह से बनाएंगे, यानी कि साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 लीटर मिल्क, ठीक है? ये आपने खुला दूध लेना है, ठीक है? चाहे तो डब्बे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आपने खुला दूध लेना है, उसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना या बॉयल किया हुआ नहीं लेना। हमने बनानी तो फटे हुए दूध से है, लेकिन दूध को खुद फाड़ना है। जो पहले से दूध खुद फट जाता है ना, वो वाला नहीं आपने यूज़ करना, ठीक है? यहाँ पर फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो होना चाहिए, और आपने इतना गर्म करना है कि आप फिंगर रखें तो वो अंदर से डिप हो रही हो, ठीक है? 3 सेकंड के लिए आपकी फिंगर डिप होती है अंदर, ठीक है? 3 सेकंड आपने देख लेना, ठीक है? ज़्यादा गर्म दूध में नहीं करना और बिल्कुल ठंडे दूध में भी नहीं करना। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/2 कप विनीगर ले लिया है। आपको बताऊंगी कि किस तरह पता चलेगा आपने कितना ऐड करना है, ठीक है? अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपने इस स्टेज पर ना चम्मच तेज़ी से नहीं हिलाना। जब आपने विनीगर डालना है तो डायरेक्शन एक ही रखनी है, और विनीगर डालने के बाद ना चम्मच आपने बिल्कुल स्लो पोजीशंस में चलाना है, ठीक है? अगर आप तेज़ तेज़ चलाएंगे ना, तो जो हम पनीर तैयार कर रहे हैं ना, वो फट जाएगी, ठीक है? वो टुकड़े दानेदार बन जाएगी, हमें क्यूब्स की फॉर्म में चाहिए, ठीक है? आपने तकरीबन थोड़ा थोड़ा 1 टेबल स्पून करके विनीगर ऐड करते जाना है, और स्लो स्लो चम्मच चलाते जाना, ठीक है? मैं यहाँ पर ना फॉरवर्ड नहीं कर रही, इसीलिए नहीं कर रही कि आपको पता चले, ठीक है? आप जितना मर्जी मिल्क ले लें, बस आपने देखना है कि आपने दूध को फाड़ना है, ठीक है? येलो पानी उसका ऊपर आना चाहिए। ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता मैं ऐड करती चली जा रही हूँ, और ये देखें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ना इसका येलो जो कलर है वो साइड में आ गया, और जो हमारी पनीर है ना, जिसको छीना कहते हैं, वो तैयार हो गया हुआ है। यहाँ पर देखें, जो दूध हमने इसको फाड़ा है वो बिल्कुल क्यूब्स की फॉर्म में फटा है, ठीक है? दाने दाने, रेजे रेजे नहीं हो गया, हमें इस तरह ही चाहिए था, ठीक है? अगर आप तेजी से चम्मच चलाएंगे तो वो सारा जो है ना दाने दाने बन जाएगा, उसको कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है? हमें इस तरह से चाहिए। देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा तैयार हो गया। ये देखें, पास से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये परफेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, एक बाउल ले लेना है, और उसके ऊपर इस तरह से कोई सा भी ना स्ट्रेनर रख देना है, और एक मलमल का कपड़ा ले लेना, ठीक है? ये आराम से आपको, ये आपको 40 से 50 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है? ये आपने स्ट्रेनर के ऊपर रखना है। अभी हमने ना इसको छानना है पहले, ठीक है? ये जो हमने पनीर या छीना तैयार किया ना, वो हमने इसके अंदर डालना है, ठीक है? पहले हमने इसका जो पानी साइड में हुआ है ना, वो निकाल देना है, ठीक है? ये विनेगर से जो पानी बना है ना इसका, ये हमने साइड कर देना है, ठीक है? हमने क्या करना है, इसको अच्छे से ना दबा लेना है, और ये जो इसका पानी था ना, इसको फेंक देना है, ठीक है? फेंकने के बाद अभी प्रोसीजर आपने पूरा देखना है। अगर आप कहीं भी गलती करेंगे ना, तो आपके ये जो रसगुल्ले बना रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक नहीं बनेंगे। ये पानी फेंकने के बाद अभी इसके अंदर ना विनीगर का टेस्ट होगा, तो आपने रूम टेम्परेचर पर ले लें, या चाहे तो ठंडा पानी ले लें। आपने इसको ना इस तरह से वॉश करना है, और 2 बार करना है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, यानी कि आपने इस तरह से इसको करना है, पानी डालना है, फिर इसको वॉश करना है, फिर पानी डालना है, और इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। फिर निचोड़ने के बाद आपने दोबारा यही प्रोसीजर दो यानी कि करना है, ठीक है? यानी कि 2 दफा करना है, एक बार करना है धोना है, निचोड़ लेना है, फिर दूसरी बारी करना है और धोना है और निचोड़ लेना है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना कुछ लोग गलती ये करते हैं कि इसको आपने ना अच्छे से दबा दबा के निचोड़ लेना, ठीक है? कि इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे, बस हल्का फुल्का सा हो, लेकिन ज्यादा ना हो। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं कि इसके ऊपर इतना इतना वेट रख देते हैं। अगर आप वेट रखेंगे ना इसके ऊपर, ठीक है, कि इसका पानी निकल जाए, तो वो रसगुल्ले जो है ना, वो बिल्कुल सही नहीं बनेंगे और हार्ड बनेंगे, ठीक है? आपने क्या करना है कि इसको 5 मिनट के लिए बेशक कहीं पर लटका दें, लेकिन आपने इसके ऊपर वेट नहीं डालना। ये देखें, इसके अंदर हल्का हल्का सा मॉइस्चर है, लेकिन हमने पानी अच्छे से निचोड़ लिया हुआ है, ठीक है? यहाँ से मैं कपड़े से रिमूव करके आपको दिखा रही हूँ कि पानी निचोड़ लिया हुआ है। अब इस तरह से कोई सा मैट ले लें, ट्रे ले लें, जिसके ऊपर आपने इसके अगला प्रोसीजर करना है। आपने अब क्या करना है कि इसको सारा को ना आपने इस तरह से इस मैट पे या ट्रे में निकाल लेना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, तो बड़ी मेहरबानी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे दूसरे चैनल पर जाके उसको भी देखें। उस पर अब मैं डेली व्लॉग्स डाला करूंगी, तो आपने उस चैनल को भी इतना ही सपोर्ट करना है जितना इस चैनल को कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पनीर है ना, ये इसके अंदर ना एक दाना सा है, ठीक है? हमने वो दाना रिमूव करना है, बिल्कुल ऐसे कर देना है जैसे फेयर लवली क्रीम होती है। तो हमने हथेली की मदद से ना इसको इस तरह से ना प्रेस करते चले जाना है। अब ये देखें, प्रेस करने के बाद ना ये क्रीम क्रीम सी बन गई। ये देखें, मैं जिस तरफ रख रही हूँ वो उस तरफ गिर रही है। अब ये बिल्कुल सॉलिड टाइप में नहीं रही है, देखें शाइन आ गई हुई है इसके ऊपर। इस तरह से आपने क्रीमी फॉर्म बना देनी, दाना इसका तोड़ देना, ठीक है? बिल्कुल आपने मसलते रहना है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, इस तरह से क्रीम बन जाएगी। इसको आपने एक बाउल में डालना है, ठीक है? ये क्रीम बनाने के बाद आपने
एक बाउल में डालना है। और उसके बाद मैंने सूजी ली है 3 टेबल स्पून, ठीक है ठीक है, 3 टेबल स्पून सूजी ली है, उसको छान लिया, और 3.5 मैंने टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें चाहें तो ना करें, लेकिन कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर यूज़ किया, ठीक है, बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, बेकिंग सोडा नहीं यूज़ करना आपने, ठीक है। 1/4 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर यूज करना है। यहाँ पर डालने के बाद आपने इसको 5 से 8 मिनट अच्छी तरह से ना गूंद लेना है, क्योंकि सूजी में ना एक दाना होता है, ठीक है, वो दाने को आपने दबा दबा के खत्म करना है। यहाँ पर आधे घंटे के उसको स्टे दे देना है। यहाँ पर अब तब तक हम शीरा तैयार कर लेते हैं। शीरे के लिए मैंने क्या किया कि तकरीबन तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी ले लिया, ठीक है, 4 ग्लास ले लें या 3 ग्लास ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। आप मैंने यहाँ पर 3 ग्लास पानी ले लिया, तो उसके हिसाब से 1.5 ग्लास मैंने चीनी ले ली, ठीक है, क्योंकि रसगुल्ले जो है वो डिजर्ट है तो वो अच्छे लगता है ज्यादा मीठा ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि चीनी जो है ना वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए, ठीक है। हमने कोई इसकी एक तार दो तार नहीं निकालनी, हमने सिर्फ चीनी को अच्छी तरह डिजोल्व करना है। डिजोल्व करने के बाद यहाँ पर मैं तकरीबन तकरीबन 2 जो इसके कप्स है ना, 1/2 कप होगा ये मैंने साइड कर लेना है, ये ठंडा कर लेना है। अच्छा, वो जो है वो चूल्हे पर रहने देना बिल्कुल लो फ्लेम पे, बाकी का जो बच गया। और यहाँ पर अब हम ये जो इस हमने बना के रखा था मिक्सचर, यहाँ पर इसको आधा घंटा हो गया, इसको हमने जिस तरह पेड़ा बनाते हैं ना उस तरह से आपने जिस साइज का आपको चाहिए छोटा बनाए, बड़ा चाहिए बड़ा बनाए, आपने रसगुल्ले बना लेने, ठीक है, इस तरह से करेंगे और ये आपका रसगुल्ला तैयार हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, इसी तरह हम सारे तैयार करके रख लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारे 1.5 लीटर दूध से कितने ज्यादा रसगुल्ले बन गए। अब आपने क्या करना है कि ये जो शीरा है ना इसके अंदर आपने ये रसगुल्ले डाल देने। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल फ्लेम हाई ना हो, ठीक है। अच्छा, 2-3 लोग हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि शो करवाया है कि इस तरह रख के ना इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, आपने बिल्कुल भी इसको कवर नहीं करना, ठीक है, और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ना फ्लेम बिल्कुल लो करना है और ना फ्लेम आपने हाई करना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है 8 मिनट, यानी कि 4 मिनट एक साइड पे देने हैं, फिर इसकी साइड पलटनी है, फिर 4 मिनट दूसरी साइड पे। कब तक पकाना है? जब तक कि ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। अभी आपको बीच में ना इसको वाइट वाइट नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपने 8 से 10 मिनट लगेंगे आपको इसको पकाने में, ठीक है। आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना, बस साइड चेंज कर देनी है। जब आपने इसको निकालना है तो इस ठंडे शीरे में निकालना है, ताकि इसका जो प्रोसेस है ना आगे पकने का वो खत्म हो जाए, और इसको 8 घंटे के, अच्छा 8 घंटे के बाद आपने इसको यूज करना है। इसको फ्रिज में रख दें या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहने दें, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह।